देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बदला बादल गुप्ता बच्चन साहब का नाम है, इसका नाम है नैना। 2 घंटे के पीछे सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है, बहुत ही अच्छा फिल्म आया। बच्चन साहब ने और तापसी पन्नू ने तो जबरदस्त काम किया है, कि जैसे कि अभी अमोल ने ऐड की थी बच्चन साहब की, कि तब भी और अब भी 50 साल से बिग बी राज करते हैं एक्टिंग के मामले में, सही साबित हो गया। और अच्छी पिक्चर बनाई है, लेकिन कुछ लोगों को मज़ा नहीं आया, कन्फ्यूजिंग स्टोरी, फ्लैशबैक बार बार दिखाते वो लोग कि किसने मर्डर किया, सस्पेंस बोलूंगा नहीं। लोगों एक बार पिक्चर देखने चाहिए, मज़ा आएगा। पूरा दिल का चकना चूर हो गया, पूरा ये हो गया। तो अभी अमिताभ हैं तो ये पिक्चर थोड़े बहुत पब्लिक आएगी देखने के लिए। तपस्वी पन्नू का है काम है, लेकिन सब लोग ज़्यादातर अमिताभ के वजह से ही पिक्चर आएंगे देखने के लिए। पिक्चर थ्रिलर सस्पेंस बनाया, एक मर्डर के ऊपर पिक्चर बनाया, मर्डर मिस्ट्री बनाई है। पिंक के बाद दोनों साथ में आए, तो क्या वो ऐसी फिल्म है क्या? नहीं, पिंक में को ड्रामा था, उसमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, और इसमें ऐसे नहीं है। इसमें एक ही कमरे में दोनों बातचीत करते कि मर्डर कैसे हुआ, किसने किया। उस मामले में उसमें अमृता सिंह का जो बेटा होता है उसका मर्डर हो जाता है, उस बारे में बताया। सिर्फ 3 कैरेक्टर है, बहुत ज़बरदस्त है, अमृता सिंह, बच्चन साहब और तापसी पन्नू, तीनों ने काम बहुत ही अच्छा किया। सबसे बड़ी बात है कि बच्चन साहब की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है, जो डॉन फिल्म में थे ना, ब्रीफकेस लेके निकलते बैग छोड़ के पहुँचे, लेकिन फिल्म में गाने नहीं है, फिल्म में गाने है ही नहीं। तो थोड़ा गाना कॉमेडी होता तो और मज़ा आता। विजय घोष का जो डायरेक्शन जो होता है ना, वही बरकरार रखा है उन्होंने। सस्पेंस लास्ट तक पता नहीं चलता कि सस्पेंस क्या होगा, तो मज़ा आता है। जो हमेशा CID क्राइम पेट्रोल देखते हैं उनको बहुत मज़ा आएगा ऐसी पिक्चर देखने। डायरेक्टर ने क्या सोच के ये पिक्चर बनाया, उसको थोड़ा बहुत या तो डायरेक्शन करने नहीं आया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए वो नहीं दे पाए। इसमें मेहनत तो उन्होंने किया, पिक्चर छोटी बनाई है, सस्पेंस बनाई है, ये है कि एक बार कोई भी जो नहीं देखा है वो एक बार उसको देखने लायक है। पिक्चर सस्पेंस है, पिक्चर सुपर हिट नहीं रहेगी, पिक्चर स्लो है, अमिताभ का भी काम अच्छा है। बस मैं इस पिक्चर को सिर्फ 2 स्टार दूंगा और अमिताभ को 5 स्टार दूंगा। क्यों? क्योंकि उनका काम जो है, जो भी हो, छोटा हो बड़ा, उनका काबिले तारीफ रहता है। इसके लिए 2 स्टार दूंगा इस पिक्चर को।